बागड़े नाना पर जो आरोप लगाए हैं आपने, वो किस संदर्भ में है? मैं बागड़े नाना पे आरोप नहीं लगाया, मैं आपको पहले करेक्ट करता हूँ। बागड़े नाना ने परसों विधानसभा के अंदर बजट के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि कल्याणकारी माझी आमदार ये यहाँ वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मार्केट कमेटी में ऐसा हो रहा है, मार्केट कमेटी में वैसा हो रहा है, बिना परमिशन की जमीन बेची जा रही है। मैं उनको ये बात आपके साथ आपके जरिए बताना चाहता हूँ, ये जो जिंसी की ज़मीन है वो बागड़े साहब के जो संचालक मंडल जो बोलते वो मेरा संचालक मंडल था, उन्होंने ही इसकी पेपर में टेंडर दिया, ज़मीन बेचने का ऐलान किया। उसके बाद कोर्ट केस हुई, कोर्ट ने भी उनको परमिशन दी ज़मीन बेचने की। उसके बाद उन्होंने पनन संचालक साहब की तरफ से परमिशन लाई, और परमिशन लाने के बाद वो परमिशन आई, कोर्ट ने बोल बेचो बोला, टेंडर भी आया 21 करोड़ 60 लाख का। ये सब प्रोसेस होने के बाद उनका जो संचालक मंडल था उनकी मुदत खत्म हो गई, और नया प्रशासकीय मंडल आया, फिर कोर्ट का उनको आदेश आया कि आप ये रजिस्ट्री करके दो, जो व्यवहार पूरा के पूरा पिछले संचालक मंडल ने करे वाला है। तो इन्होंने उसका एग्जीक्यूशन किया और परमिशन थी करके कोर्ट के आदेश से करके इन्होंने वो ज़मीन की रजिस्ट्री करके दी। अब मेरा बागड़े साहब के आरोप को खंडन ये है, जब बागड़े साहब झूठा बोलते सभागृह में कि परमिशन नहीं बोलते, अरे उनके संचालक मंडल ने ऑलरेडी परमिशन निकाली थी, उन्होंने पेपर पे टेंडर में भी दिया था, फिर कोर्ट कचहरी भी हुई थी, और कोर्ट ने बाजार समिति की तरफ से ऐसा ऐलान निकाल डिसीजन दिया, पहले व्यवहार करने जिसने किया था उसको कुछ ब्याज के साथ पैसे दो और ये ज़मीन का व्यवहार कर डालो, और परमिशन सब निकालने के बाद ये झूठ सरासर झूठा बोल। देखो बुजुर्ग आदमी कभी भी सोचता है कि मुझे कल अल्लाह ताला के पास जवाब देना पड़ेगा कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, बराबर है कि नहीं? हमारे इस्लाम धर्म में बोला जाता खुदा से डरो, अरे कम से कम बागड़े साहब ने भगवान से तो भी डरना चाहिए कि नहीं? मैं इतने बड़े सभागृह में झूठ बोल रहा हूँ, ये बात गलत है सरासर। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बागड़े साहब ने राजीनामा इस्तीफा देना चाहिए कि मैं झूठ बोला हूँ और ये बात सही है। शुक्रिया। नहीं, अब्दुल सत्तार पर भी आपने अभी आरोप लगाया कि वो चौकसी नहीं कर सकते। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, अधिकार नहीं। सवाल उठा था कि महसूल मंत्री ने जो चौकसी लगाया था वो क्या थी, तो मैं ये बोला कि महसूल मंत्री ने जो चौकसी लगाई थी वो पनन मंत्री ने भी लगाई वाली है, और पनन मंत्री जब कोई बात की इंक्वायरी करते तो डिपार्टमेंट कौन है, मार्केट कमेटी का डिपार्टमेंट के पनन मंत्री के तरफ है, पनन मंत्री ने इंक्वायरी लगाई, और पनन मंत्री की इंक्वायरी चलते हुए फिर महसूल मंत्री दूसरी इंक्वायरी नहीं कर सकते, एक ही काम के दो दो इंक्वायरी नहीं चलते जब तक के उनका जो पैरेंट डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है पनन मंत्री। वो केस वहाँ चालू है, उसकी पेशी चालू है, उसकी तारखा हो रहे, वो पेशी होने के बाद जो डिसीजन लगेगा उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन है किसी को उसके बाद वो आ सकता है। और दूसरी बात, जब महसूल डिपार्टमेंट कब आता मार्केट में या केस में, जब खरीदी वाला उसका ऑब्जेक्शन है या बिक्री वाले का ऑब्जेक्शन है, जब तहसीलदार आएंगे, डिप्टी कलेक्टर आएंगे, कलेक्टर आएंगे, मंत्री आएंगे, बराबर है क्या? यहाँ तो दोनों भी मियाँ बीवी राजी है, लेने वाला राजी है, देने वाला राजी है, तो फिर यहाँ लफड़ा काहे का? इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, इसलिए वो कैबिनेट मंत्री साहब ने उसके ऊपर स्टे दिया, और पनन मंत्री साहब के पास बहरहाल ये केस चालू है, जो उनका डिसीजन लगेगा वो सबको मंजूर रहेगा। शुक्रिया कि आपने 100 करोड़ का आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार किया है नाना। वह संचालक मंडल के टाइम जो जमीन डेवलप करके बेचे, जो जमीन 25 एकड़ का साधवर हमने बनाया, उस टाइम जो भ्रष्टाचार हुआ वो नाना के आशीर्वाद से हुआ, और वो भ्रष्टाचार होने की वजह इतनी है, उसकी वजह से मैंने आरोप लगाया, और उसकी इंक्वायरी ऑलरेडी पनन मंत्री के पास चालू है। वो इंक्वायरी एक हमारे औरंगाबाद तालुके के काश्तकार ने वो एप्लीकेशन पनन मंत्री की तरफ दिया वाला है, वो उसके निकाल भी उनके तरफ से ही लगे जो जब देंगे। तो अभी आपने कहा है कि मैंने एक जगह 25 एकड़ जमीन बचाई, 50 एकड़ और एक जगह 75 एकड़ जमीन बचाया आपने, फिर जिंसी की जो ज़मीन है इतने सस्ते में जो मार्केट कमेटी ने बेच डाली, तो फिर आप उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, फिर उत्पन्न बढ़ेगा ना मार्केट कमेटी का भी? अभी इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये मामला कोर्ट में दर्ज होने वाला है, इसमें पंकल फुलभगर के वालिद साहब है, उन्होंने भी कोर्ट में गए थे,
उसके बाद जो जमीन खरीदी बिक्री हुई उनको कोर्ट में गए, फिर वो सारा कोर्ट की मामला बंद हो गया। उसके बाद सब सेटल होने के बाद मार्केट कमेटी ने ये जमीन बेचने का ऐलान किया, जो बागड़े साहब का ही संचालक मंडल था उन्होंने ही ऐलान किया, और वो पुण्य नगरी पेपर में दे करके टेंडर फ्लोट किया। टेंडर में लोगों ने भरा 21,60,00,000 रुपए का हम टेंडर भरा, वो टेंडर सबके सबसे हाईएस्ट था, उन्होंने मंजूर करे, ये टेंडर भी उन्होंने ही मंजूर करे थे, और बाद में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया ये बिक्री कर दो और रजिस्ट्री कर डालो। इसका मतलब आपका जो संचालक मंडल है वो फायदा करा रहा मार्केट कमेटी का, और उनका संचालक मंडल ने जो है बहुत नुकसान नुकसान कर दिया। ठीक।